हैकर थे। क्या एसटीई को ये सब पता था? यही जैन। क्या क्या जैन? बढ़िया, बहुत बढ़िया जैन। उसको मैनिपुलेट किया था। एसटी का कोलैब हुआ था, ठीक है, जब एसटी ने स्टोरी डाली थी तब मैंने कह दिया था कि ब्रो एसटी एंटी नेशनलिस्ट है, हमें हेट मिलेगी, ठीक है। अब इनका ये सीन था कि डायनामिक और एसटी का स्लॉट हमें पता नहीं था कि दोनों सेम है, ठीक है। तो डायनेमिक का बॉयज का ये सीन था कि बॉयज एसटी के नाम से खेलेंगे, ठीक है। और जब हमें पता लगा कि ग्राइंड में डायनेमिक और एसटी का अलग स्लॉट है तो डायनेमिक से तो हुआ नहीं। सुनिए, डायनेमिक से तो हुआ नहीं, ठीक है। हैक लगा भी हक दिए। अब हमारी अच्छा हैक लगाए थे, बॉयज भी हैक लगाए थे, लास्ट मैच में लगाए थे। अच्छा अब डायनेमिक का सीन है, उनसे तो हुआ नहीं। बोलने दो, लड़कियों को पकड़ा उन्होंने, लड़कियों को पकड़ा। लड़कियां होती हैं क्या, मतलब सीधी होती हैं, ठीक है, वो समझ जाती है। का नाम लगा देना, ठीक है। मैंने कहा भाई हेट तो मिलेगी तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, चलो हमें, हम अंडर डॉग्स हैं, ठीक है। अब तुम कहीं से भी तुम स्लॉट ला के दोगे ना T1 का, भाई कुत्तों की तरह पीछे भागेंगे, ठीक है, स्लॉट के लिए कुत्तों की तरह। अब हमें हमें बस प्रूफ करना है भाई कि हाँ है हम, और कोई भी कुछ भी नाम लगा सकते हैं। मेरी जगह कोई और होता तो वो भी एसटी का नाम लगा के खेलता, ठीक है। अब जब ग्राइंड स्टार्ट हो रहा था उसके एक दिन पहले रात को कॉल पे आते हैं सब, मेरे पास प्रूफ नहीं है बट चैट्स है मेरे पास, बताऊंगी आपको। कॉल पे आते हैं सब, बोलते हैं कि सारे हैकर्स है भाई लॉबी में, सारे हैकर्स है, तुम लोग से होगा ही नहीं, तू लिख के ले लो, तुमसे कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैंने कहा कि तो फिर जो मेरी आइडियल है, जो मेरी आइडियल है वो बोलती है कि भाई मैं तो देखो एग्री हूँ। तीन बंदियों ने मना किया कि ब्रो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, हमें डिस्क्वालीफाई कर दो लेकिन हम नहीं खेलेंगे क्योंकि इज्जत भाई सबको प्यारी है, ठीक है। सैल्यूट है भाई, सैल्यूट है, सैल्यूट। तो तीन बंदियों ने मैंने और तीन दो बंदियों ने मना किया कि नहीं खेलेंगे, बिल्कुल मान नहीं रहे थे, ठीक है। और इसमें यह सीन था कि ग्राइंड का जो स्लॉट है तुम्हें BGIS के राउंड 1 में भी तुमको स्लॉट दे देंगे, ठीक है, विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। अब भाई तुम जाके ये सोचोगे कि भाई हम तो ग्राइंड में होंगे ही नहीं, ठीक है। मैंने तो ये, चलो कोई बात नहीं, डिस्क्वालीफाई नहीं हुए लेकिन हैक का तो लगाएंगे नहीं, राउंड 1 में कर लेंगे, क्लासिक तो खेलते, क्लासिक में क्या है। अब इनका ये सीन था कि उन्होंने सुनी ही नहीं बात, ठीक है, उन्होंने बिल्कुल नहीं सुनी कि भाई ऐसा सीन है कि भाई राउंड 1 में क्यों करना है, ग्राइंड में करो, ग्राइंड में करो, अच्छा स्लॉट फेम मिलेगा, फेम। तो ये सीन था कि कर लो भाई, हैक कर लो। तो मतलब तुम तीन प्लेयर्स रेडी नहीं थे, तुम्हारी आईडी रेडी थी और ऊपर से बोला गया कि करो तुम हैक। हाँ, और उसको डायनामिक की तरह से ओनर ने बोला था कि भाई, उसको मैनिपुलेट किया था ओनर, मतलब अनुराग भाई खेलने का, आईजेल का बिल्कुल मन नहीं था, दिख रहा था क्योंकि हम तीनों ने तो मना कर दिया था कि भाई नहीं खेलेंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आयशा को भी पिक कर लेना स्नेल भाई, वो भी आई है, उसे भी बोलना था। अब भाई उसका ये सीन था कि फर्स्ट मैच खेले, ठीक है, उसका मन नहीं था, हक दिया, ठीक है। #10 या #11 में थे एक किल के साथ, वो एक किल भी मेरा था। सेकंड मैच में ये सीन था कि नहीं, सेकंड मैच में ये सीन था कि भाई अब तो खिलाना ही खिलाना है हैकर, ठीक है। अच्छा। अब ये बात आई कि भाई कौन बैठेगा, मैंने कह दिया कि हमारा तो प्लान ही नहीं है, तो जिसका जो मैनिपुलेशन से होकर आया वो बैठी। सेकंड मैच कौन से मैप का था? सेकंड मैच मेरा आर का था, ठीक है। तो उसमें आईजेल की जगह हैकर खेला। अच्छा। हैकर जब खेला, हाँ, उसमें भी हैकर हाँ, जब खेला, हाँ, पता ही है आप लोगों को। तो अब ऐसा हमारा बताया गया था भाई, हैकर को मनने मत दे। कौन खेला था हैकर, नाम बताना, नाम बताओ कौन खेला था हैकर। अरे आप सुनिए तो, हैकर, अब हैकर का ये सीन था कि भाई तुमको हैकर को मरने ही नहीं देना है, वरना तुम्हारा हैक ही बंद हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग खेल रहे हैं, अब फोर्थ मैच में उसमें भी हक दिया, चलो अब आई थर्ड मैच की बारी। थर्ड मैच में भाई हम इतना टाइम ही नहीं था भाई, IDP आया बस 5 मिनट का टाइम था सोचने का, ठीक है। 5 मिनट के टाइम में हमें, हमसे बोला कि चलो IDP दो सब लोग,
चारों का और खेलो, और चारों चारों हैकर है, मैं कह लिख लो चारों हैकर थे और हो गया भाई जो होना था। नाम तो बता दो कौन खेला था, कुकू के आईडी से शिवा खेला था, और कौन खेला था? नहीं एक सेकंड, तुम्हारे आईडी से तुम खेले, रणवीर खेला था, रणवीर खेला था। नहीं नहीं मेरे को इतना इतना नहीं पता है, मेरे को ये था कि चारों आईडी से खेले थे। अब मुझे ये बताओ, अब मुझे बताओ ये बताओ, मैंने मना किया एसटी जब आई, मैंने तब मना किया, मेरी मेरी बायो में हिंदू ऐसे नहीं लिखा है भाई। आपके पीछे मास्टरमाइंड कौन था? ओनर अनुराग। और ये प्रॉपरली एसटी का लाइनअप था या नहीं था? प्रॉपर तो नहीं क्या, देख अरे यार एसटी आप जानते हो तो क्या फटी फटी में आ गई भाई, सबके एसटी के डिजाइन विजाइन कर दिए। अब जो मेरे ऊपर, जो मेरे ऊपर बीत रही है वो भाई मेरे को अभी कॉल पे घुसा के बोलते हैं कि ऐसा ऐसा करो, मेरी मैं फट गई भाई, इतना प्रेशर था मेरे ऊपर सुबह से। मैं 18 साल की हूँ भाई, इतना मैं मेरे से सहा ही नहीं जाता, फालतू का मैं दबा के रखूं। सारी सारी एज ना 20+ है, तो मेरे को मेरे दोस्त का मैसेज आता है कि भाई इनकी तो शादी हो जानी है, तू अपना देख ले, तू तेरे को करियर बनाना है कि नहीं, तू तू देख भाई, अभी तो करियर ऐसे बनाएंगे ये लोग। मेरे दिमाग में इतना था ना, इतना था कि भाई मेरे को कोई लाइनअप नहीं लेगी भाई, मेरी इज्जत डाउन होगी, जो मैंने 4 साल से गर्ल्स कम्युनिटी में जो इज्जत बनाई थी वो सब रत्ती भर वो एक दिन में खत्म हो जाएगी। खत्म नहीं हो रही है, चिल करो। अरे यार अरे कोई नहीं कोई नहीं, देखो तुम्हारे ऊपर प्रेशर था, तुम्हारे ऊपर प्रेशर बनाया गया, फॉलोअर्स अभी बढ़ेंगे और कोहू रिस्पेक्ट मिलेगी, हेड भी मिलेगा। मुझे अच्छी, मुझे टीम चाहिए यार, मुझे प्रूफ करना है मेरा गेम प्ले अच्छा है, मैं हैक नहीं लगाती हूं। तुम्हें टीम मिलेगी, डोंट वरी। कायदे से ये हुआ, तुम्हारे कंधे पे बंदूक रख के चलाई गई है। मास्टरमाइंड था अनुराग, गलती थी कि भाई मैंने आईडीपी दे दिया, चलाने वाला था अनुराग, गन की सप्लाई करने वाली थी एसटी भी साइड में निकल ली है, चलाने वाला भी अब निकल लिया है, अब तुम लोग बता रहे हो चलाने वाला बचेगा। डीएनसी क्लाइंट टैग कर रहा है। एक बात बताओ, एक चीज और बताओ, खराब होने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो किसी ने अभी तक करी नहीं, क्या एसटी को यह सब पता था कि तुम लोग हैक कर रहे हो? अरे भाई तभी तो मैनेजमेंट मानी है, तुम कैसी बात कर रहे हो? एसटी इन्वॉल्व थी मतलब, और नहीं तो क्या? एसटी में कौन कौन इन्वॉल्व था? कर रहे हो? अरे जो रिजाइन करके भाग गया वही, यही जैन भाग गया, तो तभी तो रिजाइन किया अभी। क्या क्या जैन, बहुत बढ़िया जैन जी टेक अ बाउ। रिजाइन करके भाग के गया, उसको पता था वो इन्वॉल्व था अच्छे से, उसको बहुत अच्छे से पता था, उसकी निगरानी में सब हो रहा था। इसका कुछ प्रूफ दे सकती हो? चैट वगैरह कुछ जहाँ पे जैन ने बोल रखा है? नहीं, 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 बात ये होती थी, मैं बताऊं, अनुराग बैकी और उनके बीच ही होती थी हमारी सैलरी वैलरी सब बैकी पे आती थी। चैट में ये बोलना चाहती हूँ, ठीक है, मेरी गलती थी, सॉरी यार, मैंने अपनी आईडी दे दी उनको और क्या ही बोलूं यार, 5 मिनट का टाइम था और उसमें इतना सब कुछ सोचना था, बस उसने मांगी और हमने दे दी। बात ये हुई, आपके ऊपर प्रेशर बनाया गया।